Good morning everyone and welcome to the class. In the previous class we have completed the revision of chapter 3, that was what is government. We have completed the chapter and in that chapter we have discussed about types of government, and in under that topic, under that subtopic types of government, we have discussed about two types of government. One was monarchical government and the second was democratic government. And we have also discussed what is the difference between these two types of government, and then we have discussed in detail about the right to vote, which is one of the most important feature of a democratic government. So now we are in chapter 4, and in this chapter we are going to discuss the main elements of a democratic government. What are the important elements? What are the features of a democratic government? What are the elements which make a government democratic? So we will discuss the issue of people's participation. We know democracy is a government of the people, hai na? So isme people's participation is the most important element of a democratic government. And how does people participate? What are the ways through which people participate in the process of government? We will discuss that, and then we will see how conflicts arise in a society, and if a country is a democratic country, then how this conflict is solved. Okay, because conflicts will be always there. कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं हो सकती है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे. कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी देयर, बट इफ द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक देन द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल बी ऑफ डिफरेंट काइंड, एंड वी विल डिस्कस दीज रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस. वाई इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इम्पॉर्टेंट. सो we will start the chapter. Is going to start with a story. The story is of South Africa. South Africa was it's a country of Africa, and just like our country, South Africa was also a colony. जैसे हमारी कंट्री ब्रिटिश रूल के अंदर थी, एक कॉलोनी थी, उसी तरह से जो साउथ अफ्रीका थी, दैट वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. मतलब क्या होता है कॉलोनी का, कि जो ब्रिटिश थे, एक्चुअली दे वर द रूलर इन साउथ अफ्रीका. जैसे हमारी कंट्री में वी अगर कंट्री हमारी है तो रूल भी हमारा होना चाहिए, है ना? जो जो लॉजिकल वे में अगर हम सोचें तो यही इसका मतलब होता है ना, कि कंट्री जिसकी है रूल उसी का होना चाहिए. बट जब हम किसी और कंट्री की कॉलोनी बन जाते हैं, या जब कोई और कंट्री हम पे अपना अपना हमें अपना स्लेव बना लेती है, तो उस कंडीशन में हमारा रूल नहीं रहता है, बल्कि जिस कंट्री के हम स्लेव बन जाते हैं या जिस कंट्री कि हम कॉलोनी बन जाते हैं वो हम पे रूल करती है. ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया वाज आल्सो अंडर द ब्रिटिश रूल. और जैसे साउथ अफ्रीका के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वहाँ क्या कंडीशन प्रिवेल कर रही थी, तो साउथ अफ्रीका वाज आल्सो अंडर द ब्रिटिश रूल. ओके, अब साउथ अफ्रीका में क्या था कि कई तरह के लोग रहते थे. ठीक है, एक तो वहाँ के ओरिजिनल पीपल, द ओरिजिनल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, दे वर ब्लैक इन कलर. इन इफ वी सी ऑब्जर्व द स्किन कलर ऑफ देयर स्किन, इट वॉज ब्लैक. द ओरिजिनल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वर ब्लैक इन कलर,
And then we see, apart from these original people of South Africa, there also lived whites or white people. ये कहाँ से आए थे whites? जो जिन जिनकी जो British थे, जो इन पे रूल कर रहे थे, जो पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका पे रूल कर रहे थे, वो ब्रिटिश जो थे वो भी यहाँ आकर के दे यूज्ड टू लिव इन साउथ अफ्रीका. और वहाँ पर अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश पॉपुलेशन थी, जो वाइट्स थे, वो बहुत ज़्यादा थे. जैसे हमारी कंट्री और साउथ अफ्रीका में अगर हम कंपेयर करें तो हमारी कंट्री में उतने ज़्यादा ब्रिटिशर्स आके सेटल नहीं हुए थे. वहाँ पे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नंबर में वाइट्स जो थे वो सेटल हो गए थे, वहीं पर वो रहते थे. ठीक है, देवर ओरिजिनली ब्रिटिश, बट उनको जो काम था उनका, उनके हिसाब से वो वहाँ आकर के वो सेटल हो गए थे साउथ अफ्रीका में. तो साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि कुछ थे जो ओरिजिनल पीपल थे, जिनको हम ब्लैक्स कह रहे हैं, कुछ थे जो ब्रिटिश थे, जो कि जिनका रूल था साउथ अफ्रीका पे, हम उन्हें वाइट्स कह रहे हैं. इसके अलावे भी कुछ लोग थे वहाँ पर जिनको कि हम मिक्स्ड कहते हैं, मिक्स्ड कलर कहते हैं, या फिर कलर्ड पीपल कहते हैं. वो कौन थे? वो इंडियंस थे, जो इंडियन जैसे लेबरर बन के वहाँ पे जाते थे, है ना. यहाँ से जो इंडियंस थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनको ले जाया जाता था साउथ अफ्रीका में, जो काम होते थे उस काम को करने के लिए वहाँ पर, वहाँ इंडिया से जो लेबर्स थे उनको लेकर जाया जाता था. यही ब्रिटिश ही ले जाते थे उनको. ठीक है, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स होते थे, जो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, वो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में काम कराने के लिए, लाइक फार्म एक्टिविटीज़ जो होती है उसके लिए, वहाँ पर लोगों की कमी थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी. तो वहाँ पर क्या होता था कि इंडिया से जो लेबरर थे, जो वर्कर्स थे, उनको लेकर के वहाँ वो पहुँचाया जाता था. वो अफ्रीका भी, इंडिया में, इंडिया के लोग भी साउथ अफ्रीका में रहते थे. तो ऐसे जो लोग, जो इंडियंस थे, उनको हम क्या कहते हैं? कलर्ड पीपल. ये जो कलर्ड पीपल है, जो इंडियंस से, वो लेबरर्स भी होते थे और ट्रेडर्स भी होते थे. इंडिया से ट्रेडर्स भी वहाँ जाके वो भी वहाँ सेटल हो गए थे. ये जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि साउथ अफ्रीका में परमानेंटली रहने वाले हैं. दे सेटल डाउन दे. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को अगर हम देखें तो वो जो साउथ अफ्रीका थी वो बहुत सारे रेसेस की कंट्री थी. रेसेस क्या होता है? रेस जो हमारा बायोलॉजिकली हम एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं. जैसे अगर हम देखें तो जो एशियन होते हैं उनके स्किन का कलर, और अगर हम यूरोपियंस के स्किन के कलर को कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं? जो यूरोपियंस हैं वो बिल्कुल एकदम वाइट होते हैं, बट जो एशिया के लोग होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग जो एशिया के बिलोंग करते हैं एशिया को, वो वैसे वाइट उनका हो ही नहीं सकता है, है ना. तो ये क्या है? दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ रेस. ये हमारे बीच का बायोलॉजिकल डिफरेंस है. ऐसे ही अदर फिजिकल अपीयरेंस में भी डिफरेंस होता है. जैसे यूरोप के लोगों का अगर हम देखें तो हाइट भी मोस्टली, ऐसा नहीं कि सभी का, बट मोस्टली उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और जो एशिया के लोग होते हैं उनकी हाइट कम होती है कंपैरेटिवली, है ना. तो ये इसी को हम रेस कहते हैं, कि जो चीज़ें हम हमारे ब्लड में हैं, जिसको लेकर हम पैदा हुए हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, है ना. हम किस रेस में हमारा बर्थ हो रहा है उसके लिए हम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसी को हम रेस कहते हैं. जबकि जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस है वो उसको वो डिटरमाइन करता है. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को हम क्या देख रहे हैं? वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें डिफरेंट रेसेस के लोग रहते हैं. जैसे ब्लैक्स एक अलग रेस हुआ, वाइट्स का एक अलग रेस हुआ, कलर्ड पीपल का
एक अलग रेस हुआ। ओके, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल पहले हुआ करता था, ठीक है, और साउथ अफ्रीका को जब जो फ्रीडम मिली वो कब मिली ब्रिटिश रूल से, साउथ अफ्रीका को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिली है 1994 में, बहुत काफी दिनों बाद, है ना। अगर हम अपने कंट्री से कंपेयर करें तो क्या देखते हैं, हमारा कंट्री 1947 में ही फ्री हो गया था। वी गॉट फ्रीडम इन द ईयर 1947 फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उसके बाद से हमारा अपना रूल चल रहा है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमारा अपना अपने हिसाब से सब कुछ चल रहा है, बट साउथ अफ्रीका में 1994 तक ब्रिटिश रूल रहा था, ठीक है। और ये जो ब्रिटिश रूल था वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव था। एक्सप्लॉयटेटिव क्या हुआ, जो कि एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड हो। एक्सप्लॉयटेशन क्या हुआ कि हम जब लोगों के साथ बहुत इल ट्रीटमेंट करते हैं, किस बेसिस पे हम इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसी रेस के बेसिस पे, है ना। जब रेस के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे जब हम किसी के साथ इस तरह के जो बेसिस होते हैं, मतलब जो कि जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, हमारा बर्थ किस फैमिली में हो रहा है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हम वाइट फैमिली में हमारी पैदाइश हो रही है या ब्लैक फैमिली में। तो जब ऐसे बेसिस पे लोगों के साथ इल ट्रीटमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो ब्रिटिश रूल था साउथ अफ्रीका में वो हाईली एक्सप्लॉयटेटिव था और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी भी था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड था। और इसको हम लोग समझेंगे एक स्टोरी के थ्रू। ये जो स्टोरी है वो माया नायडू जो है, एक बच्ची है, उसके उसी की ये स्टोरी है, उसके हिसाब से ही हम लोग इसको जानेंगे और समझेंगे। तो माया नायडू जो कि एक 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीका की में रहने वाली एक बच्ची है, ओके। सो द नेम ऑफ द गर्ल इज माया नायडू, और ये जो गर्ल है वो 11 ईयर्स ओल्ड है जैसे आप लोग हो, है ना। और ये इसका ये कहाँ रहती है, ये साउथ अफ्रीका में रहती है। साउथ अफ्रीका का एक पर्टिकुलर सिटी है जोहानिसबर्ग, ओके। तो ये जोहानिसबर्ग में रहती है और जोहानिसबर्ग में वो अपनी मम्मी के साथ रहती है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि सी वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस। उसके घर में कुछ ओल्ड बॉक्सेस थे तो वो अपनी मम्मी के साथ उन सबको ही साफ सफाई कर रही थी। तो जब वो क्लीनिंग कर रही थी देन सी फाउंड अ स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक होती है ना जिसमें हम लोग तरह तरह के पिक्चर्स लगाते हैं, तो उसी तरह के उसको स्क्रैप बुक मिलता है और जिस स्क्रैप बुक में बहुत सारे पिक्चर्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लगे हुए थे, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं उन सब की कटिंग वटिंग सारे कुछ उस स्क्रैप बुक में लगा था, है ना। और जब वो देखती है उस स्क्रैप बुक के डिफरेंट पेजेस को पलट के जब वो देखती है तो क्या देखती है कि एक स्कूल बॉय है जो कि अराउंड 15 ईयर्स का होगा, उसके बहुत सारे पिक्चर्स हैं उस स्क्रैप बुक में, ठीक है। तो अब वो उसको बहुत क्यूरियसिटी हो जाती है, सी बिकम्स वेरी क्यूरियस कि ये किसकी फोटो है, ये कौन है जो मम्मी ने उसकी स्क्रैप बुक में जिसका जिसकी फोटो लगा रखी है। तो सी आस्क हर मदर कि ये बॉय कौन है, तब उसकी मम्मा ने कहा कि ये जो बॉय है उसका क्या नाम है, हेक्टर पीटरसन। द नेम ऑफ द बॉय इज हेक्टर पीटरसन, ओके। और इसके अलावा उसकी मम्मी ने ये भी बताया कि ये जो बॉय है उसको क्या हो गया था, ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, उसको पुलिस की गोली लगी थी।
तो जब माया ये सुनी कि उसको पुलिस की गोली लगी थी तो वो बहुत ही शॉक्ड हुई, क्योंकि 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है वो, और हिज हर मदर इज सेइंग दैट ही वाज शॉट बाय द पुलिस. तो क्यों पुलिस ने, क्यों आखिर एक 15 साल के बच्चे को पुलिस क्यों मारेगी? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? माया वाज वेरी शॉक्ड. तब उसकी मम्मा ने उसको बताया कि साउथ अफ्रीका जो हमारी कंट्री है वहाँ पर क्या होता था कि जो सिस्टम था, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम हुआ करता था उसमें बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम होता था, जैसे मैंने अभी बताया था. तो वही स्टोरी उसकी मम्मा बता रही है उसको कि साउथ अफ्रीका में जो रूल्स थे, जो लॉज थे, वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स हुआ करते थे, जिनको हम क्या कहते हैं, एपर्थीड लॉज. एपर्थीड अभी एपर्थीड क्या होता है? एपर्थीड का मतलब है कि सेपरेशन करना, ठीक है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. जैसे आई टोल्ड यू ना कि इन साउथ अफ्रीका देयर वर पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, है ना, डिफरेंट रेसेस के पीपल वहां पर थे. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट रेसेस के पीपल थे, दे वर नॉट एक्चुअली लिविंग टुगेदर. दे वर लिविंग इन अ कंट्री बट दे वर नॉट लिविंग टुगेदर. एवरीथिंग वॉज सेपरेट फॉर डिफरेंट रेसेस. जैसे हर चीज जो थी ना वो हर रेस के लिए अलग अलग थी. जो वाइट्स हैं उनके लिए सारी चीजें अलग होती थी, जो ब्लैक्स हैं उनके लिए सारी चीजें अलग होती थी, जो कलर्ड है उनके लिए अलग होती थी, और जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उस समय की, जिस समय की बात हो रही है जबकि साउथ अफ्रीका ब्रिटिश रूल में था, तो जो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी वो उसको लोगों को अलाउ नहीं करती थी कि वो आपस में मिलजुल के रहें. वो लोगों को सेपरेट करके रखती थी. पीपल वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर. मिंगल मीन्स मिलना, एक दूसरे से मिलना नहीं अलाउड था. दे वर नॉट अलाउड टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज. दे वर नॉट अलाउड टू यूज कॉमन फैसिलिटीज. कॉमन फैसिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स ब्लैक के लिए अलग हॉस्पिटल्स, वाइट्स के लिए अलग हॉस्पिटल्स. यहाँ तक कि एम्बुलेंसेस भी होते थे जो वो भी ब्लैक्स के लिए अलग होते थे और वाइट्स के लिए अलग होते थे. और जब हम देख रहे हैं कि वाइट और ब्लैक के लिए सारी चीज़ें अलग अलग थी, तो उसके अंदर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी वो फैसिलिटीज भी अलग अलग होती थी. लाइक जो वाइट्स के लिए हॉस्पिटल था उसमें बहुत अच्छी सारी चीज़ें थी, एवरीथिंग वॉज वेल इक्विप्ड, है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया था. लेकिन जो ब्लैक्स के लिए हॉस्पिटल्स होते थे दैट वॉज नॉट वेल इक्विप्ड, उसमें बहुत सारी चीज़ें सही तरीके से काम नहीं करती थी, है ना. इसी तरह से जो ब्लैक्स के लिए एम्बुलेंस होता था उसमें वेल इक्विप्ड नहीं होता था. जो चीज़ें एक पेशेंट को चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें नहीं होती थी, जबकि वाइट्स के लिए जो एम्बुलेंस होता था वो बहुत ही वेल इक्विप्ड होता था, है ना. इसी तरह से ट्रेन्स भी अलग थे, बसेस भी अलग थे, और यहाँ तक कि बस स्टॉप्स तक अलग थे. वाइट्स के लिए अलग बस स्टॉप और ब्लैक्स के लिए अलग बस स्टॉप. तो ये सारी बातें जो हैं वो माया को कौन बता रहा है? उसकी मामा बता रही है. और जब ये बातें माया की मदर वॉज टेलिंग ऑल दीज थिंग्स टू माया, सी वॉज फुल ऑफ एंगर. उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है ना, क्योंकि वो चीजें उसको याद आ रही थी कि किस तरह से हम लोगों के साथ उस समय में ट्रीट होता था. और वो चीजें जब वो माया को बता रही थी तो उसको काफी एंगर से वो भर गई थी, है ना. शी वॉज फुल ऑफ एंगर. एंड ये भी देखते हैं कि जैसे अभी हमने देखा था ना कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, राइट टू वोट. सबको वोट देने का राइट होता है. लेकिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका में हम क्या देखते हैं, जो वाइट्स थे
उन्हीं को केवल वोट देने का राइट था। जो नॉन वाइट्स थे दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट, उनको राइट टू वोट नहीं था। इतना ही नहीं, जैसे कि जो लैंड होता था कंट्री के अंदर, जो लैंड है, जैसे हर लैंड तो अच्छी नहीं होती, कुछ लैंड बहुत अच्छी होती है हर तरह से, जैसे अगर एग्रीकल्चर के पर्पज से देख रहे हैं तो फर्टाइल लैंड है। तो इस तरह के जो अच्छे लैंड होते थे वो वाइट्स के लिए होते थे, वो वाइट्स ही उनको परचेज कर सकते थे या यूज कर सकते थे। और जो लैंड कंपैरेटिवली लो क्वालिटी की होती थी दैट वाज फॉर नॉन वाइट्स, है ना। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि वहां पर ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं उसमें क्या समझ में आ रहा है कि इक्वालिटी नहीं है, है ना। साउथ अफ्रीका के अंदर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी, हर रेस के लिए एवरीथिंग वाज डिफरेंट, और उनके साथ ट्रीटमेंट अलग होता था, उनको फैसिलिटीज अलग अलग मिली हुई थी, इस तरह का सिचुएशन था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये इस बच्चे के बारे में जिसके हमने अभी माया ने जिसकी पिक्चर देखी थी, है ना, उस बच्चे का नाम हेक्टर पीटरसन था। और वो जो बच्चा था वो कहाँ रहता था, वो रहता था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप में। ये जो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप है साउथ वेस्टर्न टाउनशिप जो है दैट वाज अ ब्लैक टाउनशिप, मतलब इस टाउनशिप में ब्लैक्स ही रहते थे, वाइट्स वर नॉट अलाउड टू लिव इन दिस टाउनशिप, है ना। तो इसी में वो हेक्टर पीटरसन रहता था, और वो लोग एक अपने स्कूल में भी पढ़ते थे, बट स्कूल में जो उनकी पढ़ाई हो रही थी वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनको एक लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा था जिसका नाम है अफ्रीकांस। ओके, जो बच्चे हैं साउथ वेस्टर्न टाउनशिप में, ब्लैक्स जो बच्चे, ब्लैक स्टूडेंट्स आर देयर, दे आर टॉट दिस अफ्रीकांस लैंग्वेज। अब ये जो अफ्रीकन लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के जो लोग थे ये उनका लैंग्वेज नहीं था, बल्कि जो अफ्रीका में वाइट्स, बाहर से जो वाइट्स आए थे ये उनका लैंग्वेज था। ओके, अफ्रीकांस वॉज द लैंग्वेज ऑफ वाइट पीपल हु केम टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो अब ये जो ब्लैक है, ब्लैक बच्चे थे, ब्लैक स्टूडेंट्स थे, दे डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज अफ्रीकांस, बिकॉज उनको लगता था ये तो हमारा लैंग्वेज नहीं है, हम इसको क्यों पढ़ें, है ना। और उनको फोर्सफुली वो लैंग्वेज एकदम कंपल्सरी था, सबको पढ़ना था। वो नहीं चाहते थे अफ्रीकांस पढ़ना, दे वॉन्टेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। एंड वॉट वॉज देयर ओन लैंग्वेज? देयर ओन लैंग्वेज वॉज जुलू। ओके, जुलू जो था वो उनका अपना लैंग्वेज था। तो दे वॉन्टेड टू लर्न जुलू, दे डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न अफ्रीकांस। और इसके लिए वो क्या करने लगे जो स्टूडेंट्स थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट का मतलब है दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ दिस अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल्स। ठीक है, वो इस बात का को नहीं मानना चाहते थे, वो नहीं मान रहे थे कि हमें अफ्रीकांस नहीं पढ़ना है। एंड दे स्टार्टेड टू शो देयर रिलक्टेंस, है ना। अब वो ये दिखाने लगे कि हमें अफ्रीका नहीं पढ़ना है, हम इसके अगेंस्ट है। कैसे वो दिखा रहे थे? दे केम ऑन रोड्स, है ना, सड़कों पे वो उतर आए। और जैसे कई बार ही आपने भी देखा होगा ना, रोड पे लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल चल रहा होता है, स्लोगन्स वो शाउट करते होते हैं, बैनर्स लिए होते हैं, पोस्टर्स लिए होते हैं, अपने डिमांड्स रखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, हो सकता है सोसाइटी में या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिया है जिसके अगेंस्ट लोग अपने अपने व्यूज़ को रखने के लिए वो क्या किए, वो सड़कों पे आ गए, वो रोड पे आ गए।
क्योंकि उनको क्या करना है कि गवर्नमेंट का ध्यान खींचना है इस प्रॉब्लम की तरफ, ताकि ये जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी डिमांड है, उसको पूरा किया जा सके। इसी को हम प्रोटेस्ट कहते हैं कि जब हम कोई हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही होती है, या फिर कोई गवर्नमेंट कोई ऐसे डिसीजन ले लेती है जो कि हमारे बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम सड़कों पे उतर आते हैं। सड़कों पे एक मतलब ग्रुप के साथ, अकेले नहीं होता है प्रोटेस्ट, है ना, कई सारे लोगों के साथ मिलकर के हम स्लोगन्स शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, नारेबाजी लगा करते हैं, है ना, पोस्टर्स और बैनर्स लगा करके ह्यूमन चेन भी बनाई जाती है कई बार प्रोटेस्ट करने का। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है, दैट इज अ काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, है ना। लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट अपने व्यू को रख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप में स्टार्ट हुआ। हेक्टर पीटरसन भी उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अफ्रीकान लैंग्वेज नहीं पढ़ना। अब क्या हुई कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें अगर मतलब अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, तो ऐसे प्रोटेस्ट के समय क्योंकि वो दे आर जस्ट साउटिंग द स्लोगन, है ना, वो कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंट वेज, कोई मारपीट कुछ भी नहीं हो रही थी, बस वो अपने विरोध को दिखा रहे थे कि हमें ये लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, तो वो फिर क्या करती है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका जो लीडर होता है, उनसे गवर्नमेंट का कोई जो गवर्नमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बातचीत करते हैं कि हाँ कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका की, जहाँ पर कि ब्रिटिश रूल है, जो कि कॉलोनी है, वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, ठीक है। अब ये डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, इस कारण से क्या हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई प्रोटेस्ट करने वालों के साथ, उनके कोई व्यूज नहीं लिए गए कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है। नथिंग वॉज टेकन इन टू कंसिडरेशन, वॉट वॉज डन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या किया गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको अफ्रीकन पुलिस ने बिल्कुल मर्सीलेसली पीटना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड बीटिंग द पीपल, द प्रोटेस्टर्स, एंड नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो स्टार्टेड शूटिंग, उन्होंने उन पर गोलियां चलाने भी स्टार्ट कर दी। जो पूरी भीड़ जमा थी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग अफ्रीकान लैंग्वेज नहीं पढ़ने के लिए, उन पर उन्होंने गोली चला दी पुलिस ने। और जो पुलिस ने गोली चलाई, तो ऐसे ही जब गोली आप क्राउड पे चलाओगे तो किसी न किसी को तो लगेगा ही, है ना। तो जिसको लगी वो कौन था, वो हेक्टर पीटरसन था। तो ये जो थे, ये इंसिडेंट हुआ था आज से बहुत साल पहले। कब हुआ था, 16th of June 1976 को। ये जो इंसिडेंट हम बात कर रहे हैं, जिस इंसिडेंट की, वो हुआ था 16th June 1976, ओके। तो इस तरह का रूल था वहां पे, ये चीजें थी। उसके बाद भी प्रोटेस्ट हुआ, काफी प्रोटेस्ट हुआ कि इस तरह से गोली चला देने से बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये सब प्रोटेस्ट होता रहा। और हम देखते हैं कि जैसे हमारी कंट्री में हमने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, है ना, हमने हमारी कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में, महात्मा गांधी के लीडरशिप में हम सब ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हम क्या हो गए, हम आज़ाद हो गए 1947 में। तो उसी तरह से वहाँ भी साउथ अफ्रीका में भी ये कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट लड़ाई चली, बहुत लंबी लड़ाई वहाँ पर भी चली। और ये जो लड़ाई वहाँ पर हुई, उसका लीडरशिप कौन कर रहा था, अगर एक पार्टी हम देखें, जैसे हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो वैसी वहाँ भी थी एक पार्टी। उस पार्टी का क्या नाम था, उस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उस पार्टी के लीडर, जैसे हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर महात्मा गांधी थे, वैसे ही वहां पर इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन थे, ही वॉज दिस नेल्सन मंडेला, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस।
इसी के लीडरशिप में वहां पर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल होता है. और इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन थे? ही वॉज नेल्सन मंडेला. और इनके ही लीडरशिप में वहां पर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और आखिर में जाकर के 1994 में वहां पर ये खत्म होता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और वो आजाद होती है कंट्री. ठीक है. और जब वो आजाद हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फिर उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. जैसे हमने बनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही साउथ अफ्रीका ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वहां पर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया. सो अब हम इसी के साथ टुडे हम लोगों का आज का जो है पढ़ना वो कंप्लीट हुआ. अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. ओके.